हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन सर क्लासेस। टुडे वी आर लर्न अबाउट फ्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर अपने पास 7B एक्सरसाइज 7B है और क्लास 6 है। ठीक है, इसके बारे में सीखने तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक वीडियो बनाई है मैंने फ्रैक्शन की, वो आप देख सकते हो, जाके चैनल पे स्टार्ट करके हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसको अपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग फ्रैक्शन। गिवन अपने को 1, 2, 3 और 4, चार फ्रैक्शन की मैंने। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना रखता है, ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली है। ठीक है, आपको इसके लिए बनाइए। यहाँ पर अपने आप देखोगे, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना है 1/4 को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1/4 जो है, नेगेटिव नंबर तो है नहीं अपने पास, यानी कि -1 और 0, 1, 2, 3 और 4। आपको याद रखना है इनके बीच जो गेप है वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तभी आपकी नंबर लाइन जो है परफेक्ट बन सकती है। अब आपको क्या करना है, 1/4 लेके आना है। तो सभी में 4 का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 4 का डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। इसको लेने दो 4 हाफ लाइन, 1/4 है अपने पास, वो यहाँ पर आ रहा है, यानी ये क्या हो गया अपना आंसर। ये आपको इसमें क्वेश्चन में करना है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें 2/4, वही सेम प्रोसेस, नंबर लाइन बना लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर आ रहा है अपने पास, तो इसको -1, 0, 1, 2, 3 और 4 डिवाइड में कितना आना है, 4। तो सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। आप देखेंगे कि 2/4 का आ रहा है यहाँ पर, यानी क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इसमें क्या था पार्ट है अपने पास, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। इसमें 3/4 लेके आना है, यानी सभी से 4 को डिवाइड कर देते हैं। ये भी अपना आंसर 3/4। लास्ट क्वेश्चन है 4/4, नंबर लाइन बना लेंगे सबसे पहले अपन, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप इधर भी आगे इंक्रीज कर सकते हो नंबर्स को, अपन नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है, इसीलिए अपन सिर्फ 1 को एज्यूम कर रहे हैं। डिवाइड में 4 है तो सभी में 4 का डिवाइड कर देते हैं। और जो 4/4 आना था वो आंसर ये रहा अपना, ये क्या होगा अपना आंसर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई है अपने पास, इसमें करना है आपको 4/5। तो एक नंबर लाइन बना लेंगे सबसे पहले, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ठीक है, डिवाइड में लाना है 5, यानी सभी को 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो 1 पहले यहां था अपने पास, 0 और 1 यहां था, वो 0 तो यहां पर है लेकिन 1 यहां से टूट चुका है, 5/5=1। तो ये जो 4/5 है ये कहां पर है, ये क्या हो गया अपना आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 6/5, नंबर लाइन बना ली, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 6/5 पे क्या आना है, यानी कि सभी में 5 का डिवाइड कर देंगे अपन। तो ये जो अपना आंसर है वो कहां पर आ जाएगा, 6/5 अपना आंसर था। तो ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 7/5, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 7/5 लेके आना है, सभी को 5 से डिवाइड कर देते हैं। अपना आंसर कहा है 7/5, ये रहा अपना आंसर, आंसर 7/5। लास्ट क्वेश्चन इसका 3/5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेगेटिव नंबर को आप देखो या मत देखो, कोई डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 कितना है, यानी सभी को 5 से डिवाइड कर देते हैं। थ्री अपॉन फाइव ये रहा अपना आंसर। आप करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
एज मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ दे देगा आपको कि 20/3, तो सबसे पहले अपन 20 में 3 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 टेबल बोलते हैं, 6 टाइम आता है अपने पास 18 और रिमेनिंग आता है 2, आगे डिवाइड नहीं हो रहा, इसको लिखना है आपको। तो देखो सिंपल सा है, जिससे डिवाइड किया था वो डिवाइड में आएगा वापस, जितने टाइम डिवाइड हो चुका है क्वेश्चन यहाँ रहता है और रिमाइंडर जो है यहाँ पे रहता है, यानी इसका जो अगर नॉर्मल फॉर्मूला बनाना चाहे अपन तो इसे बना सकते हैं। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्वेश्चन इज कंप्लीट रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड, रिमाइंडर रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड सॉरी डिविजर, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे अपन 6 कंप्लीट 2/3, क्वेश्चन कितना है 6, रिमाइंडर कितना है 2 और डिविजर कितना था 3, ठीक है। इसको देखते हैं 15/4, तो यहां पे पहले सबसे पहले 50 में 4 का डिवाइड कर देते हैं, 4 × 3 = 12, कितने बचे 3, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 3 कंप्लीट 3 रिमेनिंग है और डिवाइड कर रहे थे अपन 4 का, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो चुका है। इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 17 में 5 का डिवाइड करेंगे, 17 इज डिवाइडेड बाय 5, जिसे 17 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 × 5 = 15, रिमेनिंग रहा 2, तो इसका आंसर इसको हम लिखेंगे अपन 5 एच डी वही आ जाएगा, 3 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो चुका है और 2 इसका रिमाइंडर है, इसका क्वेश्चन सॉरी मिक्स फ्रैक्शन हो चुका है। इसमें डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 23/5, 5 × 4 = 20, रिमेनिंग कितना आया 3, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आएगा मेरे पास 5 × 4 3/5, ठीक है। इसको देखते हैं 75 is divided by 6, डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, फिर रिमेनिंग ये 5, 6 × 2 = 12, रिमेनिंग 3, यानी कि 12 कंप्लीट 3/6 इज द आंसर। 29 / 4, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 20 सॉरी 5 × 7 = 28, रिमेनिंग 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 7 कंप्लीट 1/4, ये क्या इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है जबकि अपने को मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। तो सीधा सा अपने पास कुछ नहीं करना, क्या करना है आप लोगों कि इस टर्म को इस तरह मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे अपन 14 × 7 + 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करेंगे, 7 × 4 = 28, कैरी 2, 7 × 7 और 2 = 9 प्लस 1 / 7, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 99/7। इसको देखते हैं, देखो क्या करना है 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो 4 × 6 प्लस ऊपर वाली टर्म को एजिस ऐड कर देना है और जिसका डिवाइड कर देते हैं वो एजिस वापस आ जाएगा। 16 का इसको 4 × 6 = 24 और 5 कितना आएगा 29 इसको डायरेक्ट करते हैं, देखो 6 × 7 = 42 और 1 = 43 43/7, 10 × 5 = 50 और प्लस 3 कितना हो गया 53/10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है सॉरी 53/5, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच, ठीक है। इनका क्या करना है फ्रैक्शन लिखना है और ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, ये सब इक्विवेलेंट है या नहीं है चेक करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जब भी आपको किसी भी नंबर का फ्रैक्शन लिखना हो तो सीधा सा आपके पास फ्रैक्शन इक्वल टू किसी डायग्राम का फ्रैक्शन लिखना हो तो यहाँ लिख देंगे अपन टोटल पार्ट और यहाँ लिख देंगे शेडेड पार्ट। स्टार्ट करते हैं इसमें, देखो यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं इसके 1, 2, 3 और 4, ये तो टोटल पार्ट है 4 और शेडेड कितने 1 और 1, 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इसमें देखते हैं इसके टोटल पार्ट है, यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल पार्ट है मेरे पास 8, तो उसको तो लिख देंगे
डिनोमिनेटर में और शेडेड पार्ट है 1, 2, 3, 4 और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम, इसका आंसर आएगा 1/2। इसका लिखते हैं टोटल पार्ट है 1, 2, 3, 4 और शेडेड पार्ट है 2, यानी इसका कंप्लीट आंसर कितना आएगा 1/2। इसमें चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल पार्ट है 8, शेडेड है 1, 2, 3, 4 फोर पार्ट शेडेड है, यानी इसका आंसर आएगा 1/2। आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1/2, ये आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है 1/2 और ये भी आ रहा है 1/2, यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी लास्ट में लिखेंगे यस इट नहीं यस दीज आर ऑल, दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ये वाला क्वेश्चन था, उसके लिए ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें या दो तरीके से देख सकते हैं आप, या तो पूरा फ्रैक्शन इक्वल हो, जैसे 1/2 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है और यहाँ भी 1/2 आ रहा है, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक और डेफिनेशन देख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होना चाहिए, सभी के अगर डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है रिप्लेस डैश बाय अ करेक्ट नंबर, किसे करेक्ट नंबर से तुमको क्या करना है, इस बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर आ रहा है अपने पास 2/5 = यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ कितना है 50, तो आप याद रखना हमेशा कि अगर स्मॉल नंबर से मैक्सिमम नंबर लाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 की टेबल बोलेंगे अगर अपन, तो 50 का आएगा 10 टाइम है, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा 10 से, तो अपने को क्या करना है इसको भी 10 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ कितना आएगा 20। सेम प्रोसेस यहीं पर अपने पास 4 से कितना आ रहा है 12, यानी कि 4 की टेबल बोल देते हैं 4 × 4 = 8 और 4 × 3 = 12, इसको मल्टीप्लाई किया होगा 3 से तब 12 आया, तो सेम प्रोसेस अपने को क्या करना है इसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 3 = 21। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ रहा है अपने पास 6 से 9 आ रहा है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ क्या करना होता है डिवाइड। अब 6 में किसका डिवाइड किया होगा कि 2 आ गया, चेक कर सकते हो आप, 6 में अगर अपन 3 का डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो यहाँ 9 में भी 3 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3, अपना आंसर आ जाएगा। 16 से 32 वैल्यू बढ़ी है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 28। 15 लेस देन वैल्यू है, यानी कि डिवाइड किसका 5 का, तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपन किससे 5 से, ठीक है। डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 बन जाए 5, रिमेनिंग 2 आएगा और 14, 5 × 5 = 20। इसके बाद बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, यानी डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे समझ लो इसको, इसका रेसिप्रोकल देखो, ये वैल्यू आ रही है इधर से इधर, 15 की डबल बोलते हैं अगर अपन 3 टाइम, और वैसे अपन 4 की डबल भी बोल सकते हैं 3 टाइम, तो यहाँ पे 4 की डबल बोलेंगे 3 टाइम, आंसर आ जाएगा अपना 12। याद है तो मैं आपको कि अगर स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू आ रही है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसका डिवाइड किया वो अपने को देखना है, 8 से 14 कब आया हुआ, जबकि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 = 20, 0 × 2 = 0, 2 × 5 = 2 = 70। अब देखते हैं 11 से 55 कब आया, जबकि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका आ जाएगा मेरा आंसर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमको 3/4 विद डिनोमिनेटर 16, उसका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 16 आ रहा है, यानी हमने को एक फ्रैक्शन गिवन है ऑलरेडी 3/4 जिसका डिनोमिनेटर आपको लाना है 16, यानी कि यहाँ वाली वैल्यू अपने को पता लग चुकी है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें 16 लाने के लिए, इजी सा है, 4 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 बन जाएगा, लेकिन अगर किसी भी फ्रैक्शन में अपन न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो अपना आंसर आएगा कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 12, नीचे आएगा 16, जो कि हमको बनाना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है 25/45 और आंसर कितना आ रहा है इसका, डिनोमिनेटर बनाना है आपको 9, तो आप देख सकते हो स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ क्या आ रहा है अपने पास, बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू कब बनेगी, जबकि इसमें डिवाइड करेंगे किसका 5 का, अगर यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 5 का ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अपॉन 8 विथ न्यूमेरेटर 8, इसका न्यूमेरेटर कितना बनाना है, 8 बनाना है, मतलब कि आपको 4 अपॉन 8 तो पता है, ठीक है, इसका न्यूमेरेटर आपको बनाना है 8, ऊपर वाली वैल्यू बनानी है आपको 8, तो स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू बना रहे हैं, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तब बनेगी, ठीक है, तो सेम प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ये जगह हमारे पास 16, तो ये जो नया आंसर आया ये क्या है, नए फ्रैक्शन हमारे पास जिसके और इसी की इक्विवेलेंट है, इसी की इक्विवेलेंट का मतलब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो अब इस आंसर ये ही आएगा, चेकआउट कर सकते हो, 2 का डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 2 का डिवाइड करो 8 आ जाएगा, ठीक है। चेक इफ द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो मैंने आपको अभी बताया, इसमें देखो आप ये जो अपने पास 12/16 है, अगर इसमें मैं 4 का डिवाइड करता हूँ तो 3 आएगा, 4 का डिवाइड करने पे 4 आएगा, 3/4 मतलब कि इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं जो कि दोनों पास क्या है, सेम आए, इसको आगे सॉल्व आउट नहीं कर सकते, इसको भी आगे सॉल्व आउट नहीं कर सकते और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो यानी कि आगे बोल देंगे नो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, इसको चेक करते हैं, इसको तो आगे सॉल्व आउट नहीं कर सकते लेकिन इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 टाइम और ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 8 टाइम, ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कि ये इक्वल फ्रैक्शन है, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है। सी वाला पार्ट देखते हैं, 5/25, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 1 टाइम और 25 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 1 टाइम, इधर 1/5 आ रहा है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, यानी ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यस। 11/66, मैं इसको 11 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, किससे, 11 से, 1 टाइम और 11 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ इसको 6 टाइम, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 6, यानी ये दोनों भी क्या है, इक्वल आ रही वैल्यू, यानी ये दोनों भी क्या अपने पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास यस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इन्होंने बोला रिड्यूस द फॉलोइंग टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है, यानी इसको जहां तक सॉल्व आउट हो सकता है वहां तक सॉल्व आउट करेंगे, तो सबसे पहले 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है, इसके बाद बचा अपने पास 25/15, अब फिर ये वापस 2 से नहीं हो रहा, ठीक है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम और 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम, यानी कि इसका आंसर है और ये इसकी रिड्यूस या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 23/46, ये कैंसिल आउट हो रहा है 23 से 1 टाइम, 23 से 2 टाइम, यानी इसका आंसर आएगा 1/2, ओके। 17/51, इसका आंसर आ जाएगा 1/3, 17 से कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम, 17 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम, कुछ नहीं करना आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब या रिड्यूस फॉर्म का मतलब, जहां तक वो नंबर सॉल्व आउट हो रहा है वहां तक उसको सॉल्व आउट कर लो, ठीक है, उसके बाद लिव इट। 12/54, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से हो रहा है 6 टाइम और 2 से, या फिर ऐसा करो 6 से कर दो डायरेक्ट कैंसिल आउट, 6 से हो रहा है 2 टाइम और 6 9 = 54, ठीक है, आगे सॉल्व आउट नहीं हो रहा, तो ये क्या आ गया अपना आंसर। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड, अगर आपको ये समझ में आया कुछ भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस विच एवर जो भी आपको समझ में आए, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।